तो गाइस आपका भाई ना पहुंच चुका है रंगड़ी अपनी बीस्ट के पास। अपनी गाड़ी का हो चुका है काम यहाँ पे, बाकी विजय भाई कह रहे कि इसमें कोई भी काम नहीं है सीरियस। बस पे आपको दिख रहा है हमारा टिंकू द ग्रेट कुल्हाड़ी लेके, ठीक है। आप लोगों को मैंने बीस्ट के बारे में भी बताया था कि बीस्ट भी आने वाली है। भाई आज की वीडियो उसी के ऊपर है, वैसे थंबनेल टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा। यार मेरे को ना देख के तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है, बाकी ट्राई करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार आज की मॉर्निंग ना बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो गई है, पता है क्यों? दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मौसम दिख रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और दूसरी बात, अमित जी आ गए। अमित जी हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम जो पुंटो लाई थी उस टाइम मिले थे ना, अराउंड एंड अराउंड 6-7 मंथ्स। 7 मंथ्स, आफ्टर 7 मंथ्स मिल रहे। और आपको पता है कि अमित जी की जर्नी बहुत लंबी होगी दिल्ली से मनाली की, वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे ना। अब वो ना हम लोग आपको वीडियो के एंड में बताने वाले कि क्यों जर्नी लंबी हुई। आप लोग भी मतलब आप लोग भी हैरान हो जाओगे, मतलब दिल्ली से मनाली इतना टाइम लगता है और क्यों लगा इतना टाइम, वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और एक दो चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग, वो आप वीडियो एंड तक देखना। आज की जो वीडियो है बहुत मज़ेदार और बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है, तो अच्छा वेदर है आजकल मतलब ट्रैवल करने के लिए। आपको मैंने ट्रिप का बताया हुआ था ना कि हम लोग ट्रिप करने वाले हैं, तो वीडियो देखो बस, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वीडियो देखो एंड तक, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, अभी बातें कम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के ब्यूटीफुल से डे की और ब्यूटीफुल से वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। तो गाइस आपका भाई ना पहुंच चुका है रंगड़ी, यहाँ पे अपनी बीस्ट का काम हो चुका है स्टार्ट। आपको मैंने बताया था ना इसमें मेजर काम कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा काम था टचिंग वगैरह का करने को, क्योंकि हल्का सा पेंट उखड़ गया था इसका, जैसे बोनट हो गया इसका, साइड्स वगैरह मैंने आपको दिखाई थी वो था काम करने को। और काम हो चुका है इसका स्टार्ट, आज या कल में इसका काम खत्म हो जाएगा। एक दिन का काम था वैसे, कल तक मतलब हो जाएगी गाड़ी अपनी रेडी, उसके बाद प्रॉपर वीडियो आप लोगों को दिखने वाली है। और आप लोगों को मैंने बीस्ट के बारे में भी बताया था कि बीस्ट भी आने वाली है। भाई आज की वीडियो उसी के ऊपर है, वैसे थंबनेल टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो एक काम करते, अभी नहीं दिखाने वाला हूं आपको बीस्ट में, बीस्ट थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, थोड़ा सस्पेंस भी जरूरी है, मतलब वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड जैसे मैं आप लोगों को बीच दिखाने वाला हूँ। और अभी बीच में ही हम लोग यहाँ पे आए हुए, तो थोड़ा सा ना बीच का काम करवाने को, तो पतलीकुल जा रहा हूँ मैं विजय भाई के वहाँ पे, वहाँ पे चेकअप भी कराना है गाड़ी का, और दो तीन चीज़ें मतलब काम है छोटे मोटे करने को, वो वहाँ जाके करेंगे। तो चलते निकलते हैं यहाँ से। अब तो यार मैंने अपनी लोकेशन में पहुँच चुका हूँ पतलीकुल विजय भाई के पास, क्योंकि गाड़ी चेक करानी है। तो जिप्सी के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जिप्सी के लिए इससे बेस्ट लोकेशन है नहीं, तो गाड़ी अभी नहीं दिखाने वाले हम लोग आपको, क्या बोलते हैं अमित भाई? बिल्कुल, इट्स अ सरप्राइज टू बी रिवील्ड आफ्टर। एग्जैक्टली, वैसे एंड ऑफ द सीरीज में हम रिवील करेंगे कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है। लेकिन एक चीज है, कई लोगों ने शायद से देखी है पहले दिल्ली में, जिसको स्ट्राइक होगा वो कमेंट करे, जिसको पता है कौन सी है क्या, वो कमेंट करे। भी देंगे जो राइट कमेंट आएगा, क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे हम लोग, पहले का भी गिव अवे बचा हुआ है, हम दोनों देंगे, वो दोनों हम एक साथ देंगे, ठीक है। बट आप गैस करो कि ये कौन सी जिप्सी है, कौन सी जिप्सी है, सही बात है। साउंड ये हमारे किसी एक वीडियो में आई, एक वीडियो में आई, और साउंड सुन रहे हो आप स्मूथ मक्खन। बाकी अभी विजय भाई चेक कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल के हाथ में, अभी देखते क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिप पर निकलना है, तो शायद से कल निकलेंगे कल सुबह, अदरवाइज परसों तो हम फॉर श्योर निकल जाएंगे, क्योंकि हमको प्रेपरेशन भी करनी है। तो अभी देखते हैं गाड़ी को पूरा पहले रेडी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो गाइज अभी ना अपनी गाड़ी का हो चुका है काम यहाँ पे, बाकी विजय भाई कह रहे हैं कि इसमें कोई भी काम नहीं है सीरियस, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है शाफ्ट की, शाफ्ट यहाँ पे मिलेगी नहीं, एक दो नंबर की शाफ्ट होती है ना, वो चेंज करने को थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, वो दिल्ली से मंगा लेंगे हम लोग, अमित भाई के हैं वहाँ पे नोना, वो मंगाएंगे। बाकी ये गाड़ी ना विजय भाई को भी पसंद आ गई है, तो अभी देखते हैं, सीरियस काम इसमें कुछ भी नहीं है, मनाली चलते हैं। बस हम लोगों को ना कूलेंट चेंज करने को है इसमें, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे वहाँ पे एंटी फ्रीज कूलेंट चाहिए, तो आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, और भी काम करवाने को, 3:26 हो चुके हैं, निकलते हैं यहाँ से, बाकी काम देखते हैं आज के क्या क्या करने को है। यार अभी ना हम लोग आ चुके हैं हडिम्बा मोटर्स, एक्चुअली हम लोगों को ट्रिप पर निकलना है, तो एंटी फ्रीज कूलेंट चाहिए, और वो वहाँ पर मिल नहीं रहा था पतलीकुल में, तो यहाँ पर मिल गए, आगे एंटी फ्रीज कूलेंट डालते हैं। और क्या प्लान है? बस नेक्स्ट प्लान है, अभी आपको घुमाना है मनाली, मनाली घूमेंगे और कल की तैयारी। ओह जिप्सी दिख रही थी, सॉरी गाइस दिखानी नहीं, अभी एंड में दिखाऊंगा। कल का, कल नहीं तो परसों निकलेंगे हम लोग, बट आज हम पार्टी करने वाले हैं, ठीक है। अमित जी मनाली आए, क्योंकि जब मैं दिल्ली गया था ना उस टाइम अमित जी ने पार्टी करवाई थी, अब मैं करवाऊंगा, अब मनाली में करेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। पहले थर्ड पार्टी हम वहाँ करेंगे जो सरप्राइज है, सरप्राइज, हाँ सही बात है, पहली पार्टी मनाली में होगी, दूसरी भी मनाली में होगी, तीसरी वहाँ पे होगी, तीसरी वहाँ। बाकी अभी डाल देते हैं एंटी फ्रीज कूलेंट, उसके बाद और तो कोई काम नहीं बचे, बस यही बचा हुआ है हमारे पास। उसके बाद शायद से हम लोग जाने वाले हैं वापस वशिष्ठ, डेविल लेके निकलेंगे, क्योंकि डेविल में कुछ खाने के लिए जाएंगे यार, और डेविल लेके जाने वाले, जिप्सी घर पे पार्क हो जाएगी और डेविल पे निकलेंगे। Right. यार यहाँ पे ना ये लोग हमारा चलान करते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रही है ट्रक्स, देखो अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रक की वजह से लगा हुआ है, और पुलिस वाला बैठा रोक रहा है सबको, ऐसा नहीं कि ट्रक का चलान करें यहाँ पे, यहाँ पे ये लोग लगे हुए हमारा बड़ा चलान कर रहे होते हैं लोग, मतलब हम लोग अगर गाड़ी लगाए हम गलत है, ट्रक्स लगे यहाँ पे तो वो चीज़ ठीक है। अमित भाई क्या बोलते हो? आप भी मेरा ब्लॉग देखते हो, सही बात है, ये प्रॉब्लम कॉमन है
आप भी मेरा व्लॉग देखते हो ना, प्रॉब्लम है ये कि नहीं है? हमारा ऊपर जहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ इतनी परे होती है, वहाँ चलान करते हैं जबकि हमारे ज्यादा जगह तो टू व्हीलर वाले ने उसने की हुई थी, स्कूटी खड़ी की हुई थी बंदे ने, और यहाँ पे भी सारा ट्रैफिक स्ट्रक की वजह से लगा, पुलिस वाला फिर भी बैठा है और रोक रहा है रुक जाओ फिर निकालो, मतलब एक नॉर्मल जो पब्लिक हो, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं वी आई पी होता तो मेरे लिए सारी सेवाएं होती। मजाक अपनी जगह, बाकी आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो गाड़ी है ये अमित भाई की ही है, और तू क्यों कुड़ गया यार, ये गाड़ी जो है ये अमित भाई की ही है, ठीक है, मैंने इनको अभी हाँ आप इन्होंने चलाई, ठीक है, और मेरे को पता था इसमें ना लॉक लुक का थोड़ा सिस्टम है, मैंने कहा अमित भाई को तो पता है ये चीज़, इनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में ना वाइपर और इंडिकेटर उल्टे हैं, मैंने इनको बोला वाइपर मारो, अगर मैं सोच ही रहा था कि उल्टा ना मारे और आपने उल्टा मार दिया, इन्होंने वाइपर की जगह, मुझे इस गाड़ी याद आई तो मैंने बहुत टाइम लगा के तो पहले उसको सीखा कि नहीं अपने वापस स्टैंडर्ड वाइपर वाले मोड पे आऊं, और आज वही हुआ, मैं स्टैंडर्ड पे आ गया। और वैसे थोड़ी टाइम अगर आप नहीं चलाओ इस चीज को डिफरेंट हो जाए तो आदत नहीं रहती है ना, बिल्कुल नहीं रहती है, और वही उन्होंने ना लाइट ऑन कर दी उसकी जगह, हाई बीम मार दी। बाकी अभी अमित भाई चला रहे हैं डेविल, ठीक है, इस गाड़ी में जो काम हुआ है उसके बाद अमित भाई का रिव्यू लेने वाला हूं मैं कि क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं, लेकिन एलॉय डालने के बाद पीछे से आवाज आ रही है ना, बड़े है वो छोटे अलॉय, अगर हम अलॉय को छोड़ दें अदरवाइज ये गाड़ी पहले से मच 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 बेटर अच्छी होगी। और मैं ना नए अलॉयज डलने वाले, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने पोल डाला हुआ था, आप लोगों ने जिसमें ज्यादा वोट्स दिए, आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे को पता है किसमें ज्यादा वोट्स आए, तो वही चीज मैं डाल रहा हूँ आप लोगों ने जो बोला था, तो कल आदित्य भाई आ रहे हैं जलंधर से, वो लेके आ जाएंगे साथ में, तो नई चीज दिखेगी आपको, नए अलॉय नए टायर। बाकी अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बांग कुछ खाने के लिए अशोक भाई के वहाँ पे, और एक दो काम और है वो भी करेंगे, क्योंकि ट्रिप के लिए निकलना है ना तो थोड़ी सी तैयारियाँ चाहिए, और अमित भाई को मनाली की चीज़ें खिलाएंगे अच्छे से हम, ठीक है, नए नए फूड ट्राई, और सिड्डू भी खिलाने वाले आपको, खाया आपने? बिल्कुल खाया, खाया आपने? वन ऑफ माय फेवरेट। कहाँ पे खाए थे? नहीं मनाली में। अच्छा, ये नई नई फिर चीज़ है, मैं सोचा था मैं सिड्डू खिलाऊंगा, हमें कुछ और खिलाऊंगा आपको, आपने जुम्मा खाया है? नहीं, जुमा खिलाऊंगा गाइस, और आप लोग जिस जिसको पता जुमा क्या होता है कमेंट में बताना, ठीक है? बच्चों ने गाना नहीं आया था जुमा चुमा दे दे, वो उसको खा के बनाओ कर जाते हैं, कुछ खाने का है तो चलते हैं पहले, तो अभी एक काम करते हैं पहले चलते हैं अशोक भाई के वहाँ पे ना, वहाँ जाके कुछ खाते हैं और दो तीन सामान लेना जिप्सी के लिए हमको, वो ले लेते हैं। फिर अशोक भाई के वहाँ से ना हम लोग आ गए, एक्चुअली वहाँ पे ना हम लोगों ने बर्गर खाए मोमोज वगैरह खाए, और उसके बाद डायरेक्ट हम आ चुके हैं अभी घर को, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सेतन को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है यार सेतन नहीं गए थे, तो आज अमित भाई आए हुए हैं ना, ये वैसे सेतन गए हुए हैं, अमित भाई आप सेतन गए हो ना? सेतन गए हैं ये, लेकिन जो वहाँ पे रहने का फील है हमारे वहाँ कॉटेज में, वो फील ना भाई आज मैं अमित भाई को एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा चिल मारेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं गया नहीं हूँ यार, मेरे को भी आउटिंग की ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छा हो गया कि अमित भाई आ गए, थोड़ी सी मेरी भी आउटिंग हो गई पता है, मेरे को बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो अभी चलेंगे। और हम लोग बीस्ट लेके नहीं जाने वाले, हम लोग जाने वाले डेविल लेके, तो अमित भाई यहाँ पे है पुंटो में, बीस्ट नहीं, पुंटो नहीं डेविल, डेविल यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर गुस्सा हो जाते हैं पुंटो बोलेंगे तो, डेविल में जाएंगे, और अमित भाई को कुछ इस तरह का रूम दिया हुआ है होम स्टे में, कंफर्टेबल है, बेस्ट, आपको नींद अच्छी आई थी सुबह? अल्टीमेट, एक तो आप थक गए थे ना काफी ज्यादा, मैं 12-1 बजे उठा तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह से 7-8 बजे उठा, वही 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 वही। तो बाकी अभी काम करते हैं, यहाँ से ज्यादा चीजें नहीं, जैकेट और लोअर वगैरह उठा रहे हैं, ठीक है, मैंने तो उठा लिया था, चलते हैं ऊपर और आपको रास्ते में मिलते हैं इसके बाद। गाइस आपको पता है क्या, अमित भाई और मैं ना निकल गए थे, हम लोग पहुंच गए थे प्रीनी बैरियर, मतलब बैरियर भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया था, ये महाराज आ रहे थे पीछे से, हमने भी आना है, ठीक है, ये महाराज आ रहे थे दोनों पीछे से, करण और टिंकू, मेरे को लगा अपनी गाड़ी में आ रहे होंगे, लेकिन भाई आए नहीं अपनी गाड़ी में, कहते टिंकू कहता मेरी गाड़ी तो मामा ले गए, ऐसा क्यों, वापस आया मैं तेरे को लेने के लिए, वी आई पी लोग गाइज, वी आई पी लोग पता है, वापस आओ कर लेने के लिए आप, और आपका भाई शरीफ शरीफों की तरह आ गया, वैसे हम बातें करते करते आए ना अमित जी और मैं ना, बातें 5 मिनट भी नहीं लगे, नहीं लगे वैसे ज्यादा टाइम ना, बातें कर रहे थे वही फील नहीं हुआ, एक रुक जाता हूँ, मतलब ना अमित जी और मैं बातें कर रहे थे तो हम लोगों को फील नहीं हुई ये चीज़ की कितना टाइम हो गया था। तो गाइस हम लोग ना सेतन पहुंच गए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा टिंकू द ग्रेट, कुल्हाड़ी लेके, ठीक है, एक्स लेके, लकड़ी नहीं एक्चुअली यार, तो ये लकड़ी काट रहा है, बढ़िया टिंकू बढ़िया, हमारी बॉन फायर का जुगाड़ कर, बस उछले ना लकड़ी। गाइस अभी के सीन्स ये ना, करण और टिंकू काट रहे हैं लकड़ी, और अमित जी और मैं आ चुके हैं किचन में, तो क्या करने वाले आज हम? आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, ठीक है, और पोटैटोस, ठीक है, ग्रिल पोटैटोस, ठीक है, और अंडा भुजी, हाँ, एंड देन आफ्टर विल सी, जो हमें भूख लगेगी तो हमारे काफ़ी सारा जुगाड़ है, अंडे हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, खीरे हैं, मतलब ये अबाउट लॉट ऑफ स्टफ। आप सबसे पहले ये बताओ किचन कैसा लगा, देसी किचन? अल्टीमेट है ना, देसी पूरा, देसी किचन है पूरा का पूरा, तो काम करते हैं बेसिकली रॉ है पूरा, तो पहले हम लोग प्रेपरेशन करते हैं और धीरे धीरे करके आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो यार अभी ना हम लोगों ने तैयारियां कर दी है पूरे, यहाँ पे बारबेक्यू के लिए है पनीर, बाकी यहाँ पे बन रही है कौन सी भुर्जी, अंडा भुर्जी, अंडा मशरूम भुर्जी,
पनीर भी है साथ में लेकिन पनीर वो एक्स्ट्रा स्पेयर पनीर है, अगर हमारा कम पड़ा तो फिर हम इसको दोबारा मैरिनेट करेंगे। डन डन डन। तो मगर हम जो भी बना रहे हैं अवेलेबल मसालों के साथ बना रहे हैं, मसाले जो जो है यहाँ पे काफी चीजें हैं नहीं, जैसे लाल मिर्च वगैरह नहीं है, काफी चीजें नहीं है, जो जो हमारे पास है वैसे ही बना रहे हैं हम लोग। लेकिन मेरे को खुशबू से तो लग रहा है टेस्ट काफी अच्छा आने वाला है। अमित जी ना प्रोफेशनल कुक है। घर पे भी आप ही बनाते कि भाभी बनाते? घर पे हम दोनों बनाते, दोनों बनाते। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मशरूम अंडा भुर्जी बन रही है और साथ में यहाँ पे अंडे, कम से कम 20 अंडे आइए, 30 अंडे की ट्रे थी, 10 अंडे रह गए और लगेगा तो और खा कर लेंगे। और यहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है मेरे को क्योंकि गाने लग गए। तो यार अभी ना हमारा सारा सेटअप यहाँ पे हो चुका है, बारबेक्यू वगैरह का भी खाना वगैरह भी हमारा हो चुका है रेडी। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, सारे यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। और अभी ना एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं सारे। और टाइम अभी हो चुका है 10। और आज की जो वीडियो है, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं। और एक और चीज़ यार मैं भूल गया था, मैंने आपको सुबह बोला हुआ था, हमने आपको अमित जी और मैंने कि शाम को दिखाएंगे हम आपको 20। तो हमने उस सुबह दिखाई नहीं थी, सस्पेंस रखा हुआ था। आई एम रियली सॉरी दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे आ गए और हम लोग ना डेविल में ही आ गए। पहले प्लान बन रहा था उसमें आने का लेकिन फिर डेविल में ही हम लोग यहाँ पे आ गए। तो कल प्रॉमिस, कल हम लोग आपको पक्का दिखाएंगे क्योंकि कल उसमें बहुत काम करवाने को है, सीरियस वाला नहीं, छोटा मोटा काम, कोई सीरियस काम नहीं है उसमें, छोटा मोटा काम करवाने को है, वो कल करवा लेंगे। और जो ट्रिप है हमारी वो निकलने वाली है परसों, और ट्रिप में काफ़ी लोग होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दो तीन होंगे, कम से कम बता रहा हूँ दो या तीन गाड़ियाँ तो हमारे साथ होगी, ठीक है। तो जो ट्रिप है वो कहाँ निकलने वाली है वो परसों की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी एक काम करते हैं, अभी इन्जॉय करते हैं हम लोग और आज की इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।